हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज डे टू है गोवा में। सो ये हमारा होटल और आज हम जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल। सो यहाँ से 80 किलोमीटर कोलम नाम का है रेलवे स्टेशन है और वहाँ से ट्रैक करना है, क्योंकि बाकी सब जो टूर्स के जो जिप्सी होते थे वो सब बंद है। सो लेट्स सी। सो चलो चलते, ऑलरेडी लेट हुआ है क्योंकि अभी टाइम हुआ है 9 बज रहे, और 9 मतलब 2 घंटे जाने के लिए लगेंगे, 11 बजेंगे, फिर पैदल ट्रैक के लिए 2-3 घंटे लगेंगे, फिर इसलिए थोड़ा जल्दी करें। चलो चलते। हाँ तो मैं आना रहता हूँ विसर। सो चलो 9 बजे करेक्ट, और यहाँ से 80 किलोमीटर जाना है। ए मैप लगा ना एक। तो ये पंजी वाला ब्रिज है, रात को बहुत मस्त उसमें लाइटिंग लगी हुई है, देखता हूँ रात में दिखाता हूँ। तो हमें क्रॉस करना है उस तरफ वाले ब्रिज पे जाना है। नहीं आता दूध सागर टकना। सो अभी हम कोलम रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ से पैदल रूट है ट्रैकिंग के लिए, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है, तो यहाँ से रेलवे रूट है, रेलवे रूट है। नाइन किलोमीटर शो कर रहा है और रूट दिखा रहा है। चल। सो दो रूट है, ये स्टेशन है यहाँ पे कहीं, तो उस तरफ से गए तो ट्रैकिंग वाला रूट है, और यहाँ से ट्रेन वाला रूट चालू। सो बहुत लंबा पड़ता है ये, 13-14 किलोमीटर होगा ट्रैक मतलब ये ट्रेन के रूट से, और आते टाइम हम ट्राई करेंगे कि फॉरेस्ट वाले एरिया रूट से आए, और अगर मालगाड़ी मिलती है तो हम हाथ दिखा के उनको रोक के फिर उसमें बैठ के भी जा सकते हैं। हाँ उस सो फर्स्ट टनल आया अभी, और आई थिंक हमने 6 किलोमीटर है ना रे, 43-47 किलोमीटर तो बैंड मजे बाबू। टोटल अभी 6.5 किलोमीटर हमने रन किया है, और पूरा एग्जॉस्ट हुए, ऐसे इजी लगता है बट है नहीं, क्योंकि ट्रैक पे चलना और मुश्किल होता है, अगर साइड से जाओ तो भी ज़रा ठीक है। सो ये फर्स्ट टनल है, और ऐसे 5 टनल हमें क्रॉस करने हैं, उसके बाद दूधसागर आएगा। बट एक्साइटेड भी हो है ना, टनल से जाने वाले उन्हें क्या, बेयर गर्ल्स का एक आया था वो क्या करता है टनल के अंदर जाता है, चौधरी जाते बादल था सुन 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 बोलता है, और ट्रेन आती है भागना है। वैसे इस टनल के अंदर इंडिया में कैसे होता है, ऐसे जगह होती है कि आप रुक सकते हैं, वो बेयर गर्ल्स वैसे ही दिखाने के लिए किया होगा उसने। और इसकी लेंथ है 150 मीटर, तो छोटा है। हाँ त्यामुळे ते उस साइड मतलब कर्ड वाइज इसलिए उस तरफ वाला ये नहीं दिख रहा है ना। सोबत जाऊ म्हणता सर, आवाज ऐकला की।
एक्चुअली बहुत अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए टॉर्च लगाए। हमें ट्रेन आने से पहले उस तरफ जाना है, तो भागो। थोड़ा एग्जॉस्टेड हुए बट व्यू देख के थोड़ा सा तो मज़ा आया। लुक वहाँ पे दिखाई दे रहा, अबे बहुत पानी है, मज़ा तो आया देख के। तो इसने जुगाड़ निकाला है। और एक लेना। वाट लगी है, वाट सच में इस पे चलना है इम्पॉसिबल है क्योंकि पैर के लग जाते हैं। एंड लुक एट द व्यू, तो ये फिफ्थ है शायद, और एक होगा या फिर खत्म। देखिए इतनी खुशी इतनी खुशी। बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो अभी इतना एग्जॉस्ट हुए तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे। यहाँ पे छोटा सा शॉप है और यहाँ पे दूध सागर झरना। थोड़ा खा पी के अपडेट होके चार्ज होके फिर चला जाएंगे। तो थोड़ा सा खाने के बाद थोड़ा रिफ्रेश हुआ, अब बैक टू नॉर्मल। बट इतना फिक्स है कि इससे वापस तो नहीं जा सकते ट्रैक से। दूध सागर सो ये मेन स्विमिंग पूल जैसा बना है वाटरफॉल का। तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है ऐसे नॉर्मल टाइम पे, बट कोरोना की वजह से कोई नहीं है वहाँ पर, इसलिए नीचे जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं। काय इथून जा, चालत चालत मार उडी, ते कसलं भारी गोल गोल फिरते त्याचा। यहाँ पे बहुत मस्त हवा आ रही है। तो यहाँ पे प्रेशर देखो, यहाँ से गए तो डायरेक्ट तीन एक टप्पा उठे। तो ये देख के पता चलता है कि इसको दूध सागर क्यों बोलते हैं, बहुत सफ़ेद पानी है। प्रेशर अभी हम नीचे जा रहे हैं और वहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस वाली शूटिंग मतलब यहीं पे हुई थी, बट वहाँ पे सब लोग खड़े थे।
तो चेन्नई एक्सप्रेस में उसका जो वाप होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है, तो यहाँ पे ट्रेन रुका देते हो ब्रिज पे। सच में पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वैसे इतना फोर्स हो तो ही दिखने में मज़ा आता है, नहीं तो फिर क्या ही है, फिर वो दूध सागर नहीं दिखेगा, नॉर्मल वाटरफॉल दिखेगा। तो अभी हम इतने थके हुए हैं कि हमारा फोटो निकालने का अभी तक मन नहीं हुआ। सो दूधसागर डन, मतलब एक और एक चेकलिस्ट कंप्लीट। ड्रोन शॉट थोड़े लिए बिकॉज हवा चल रही है और बारिश की भी बहुत, मतलब वहाँ पे फॉग जमा है तो बारिश भी आने, मतलब छोटी छोटी गिर रहे थे तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं निकाली, एक ही शॉट लिया है जाते वक्त खत्म और फोटो निकाले। तो अगर आपको ड्रोन शॉट पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, मुझे बहुत रिस्क लेके ड्रोन निकाला था बाहर। और अभी टाइम हुआ है 4:15 एंड जब आते वक्त हमें टाइम लगा था 3 से 3.5 घंटे। सो अगर 4 बजे भी मैं पकड़ लो, 5, 6, 7 बजेंगे जाने में अगर ट्रेन के रूट से जाते तो। और बारिश की भी बहुत चांसेस है क्योंकि मौसम ऐसा हुआ है। तो चलो बाद में अपडेट करता हूँ। तो बैड लक की आज लिमिट सब क्रॉस हो गई है, सी बारिश आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें और 3 घंटे कंटिन्यूस ट्रैक करना है, मतलब चलना है, और 3 घंटे में अगर कंटिन्यूस बारिश रही तो बैग भीगेगी, सब कुछ जाएगा। यार बारिश जा ले, चला जा यार थोड़ी देर। कैमरे में इतना दिख नहीं रहा बट बहुत जोर से बारिश, यू कैन सी। अगर 1 घंटे के लिए भी बारिश रुकती है तो भी कुछ हमें फायदा नहीं होगा क्योंकि और अभी 2.5 से 3 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। थोड़ा कम लगेगा आते वक्त से कंपेयर टू आते वक्त, क्योंकि इस बार हम ब्रेक कम लेंगे क्योंकि धूप नहीं है, क्योंकि आते वक्त बहुत एग्जॉस्ट हुए थे। आता चलना वर्तुन ट्रेन में लोग बैठ चुके हैं, तो ट्रेन पकड़ना है, मिल गई तो बहुत मस्त होगा। चलो भागो। तो अभी ट्रेन तो है बटे 1/2 घंटे बाद निकलेगी, पर कुछ ना से कुछ सही, बट आई डोंट नो जगह है कि नहीं, उस तरफ से देखते। चल अरे अर्धा तास है। ओके पुलिस के वजह से भागना पड़ रहा है। ऐला क्या हारते रहो, ट्रेन निको सर थांबाय का, एक पुलिस आहे काही नाही, सगळेच उतरले। हां हल्ल्यावर सुटतो नाही, सगळेच उतरले। पुलिस झाले मुला।
सो ट्रेन कोई चढ़ना नहीं चाहिए इसलिए रिवर्स ले रहे हैं। तो ये तो फिक्स है, वो लेके नहीं जाने वाले। मेहनत बर्बाद बर्बाद मेहनत बर्बाद। तो यहाँ से एक ट्रैक है, ट्राई करते वो वाला, क्योंकि पटरी वाला ट्रैक से तो हम नहीं जाने वाले, बिकॉज चलना ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ट्राई करेंगे, सिर्फ रास्ता होगा तो जाएंगे, अदरवाइज रिटर्न। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अंधेरा हो गया तो अलग से दिक्कत, वो तो अच्छा हुआ बारिश रुक गई, अदरवाइज तो ये शायद जो जिप्सी आते हैं, जो बोलेरो आते हैं उसका रूट है, बट ट्रेन वाले रूट से पत्थर की वजह से नहीं चल सकते, बहुत ट्राई किया। अब वो ट्रेन क्या करेगी, पीछे जाएगी और स्पीड से आएगी। चढ़ो कैसे चढ़ते वो ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर ऐसे ऐसे कर उनके भी प्रेशर एवडा जास्त नहीं, कारण हम जो लास्ट टाइम जो नहीं क्यों सीक्रेट वाटरफॉल गए थे रानगांव, बट फिर भी यार ये बारिश की वजह से इतना फ्लो हुआ, नहीं तो नॉर्मल था। ये पाए उचले थे ना, फक्त क्या हाथ पकड़ना तेरे तू पुढे जा, मी लास्टला जातो आहे मध्ये, चल त्या जात, पाय उचलायचं नाही, पाय उचलू नको जास्त, पाय उचलू नको, पाय उचलू नको फक्त, काय दिसलं होतं आपल्याला काय पासिंग, आणि ते पाणी एकदम भारी भारी दिसत होतं बघ, पाणी कबूल भाजलं पाणी। सो यहाँ तक खुशी। सो आगे शायद रिवर क्रॉसिंग है इसलिए यहाँ सर, बट नॉर्मल रोड की वजह से हम अंधेरा गिरने होने से पहले आगे भी बहुत पास में आ गए, अभी वो देखना किलोमीटर कितना बचा और बारिश चालू हो गई। पैर गए भाई नहीं तो कड़े नहीं आए ना, फोर्टी सिक्स है, तीन किलोमीटर अजून, थ्री तीन किलोमीटर यार ये ट्रेन ट्रेन के रूट पे आने के बाद बारिश क्यों चालू थी, फोर्टी सिक्स 40 किती 49 ला होता ना रे, 49.9 78 तीन किलोमीटर नाही चार ना। अंधेरा हो गया और इसके हिसाब से और 47 ना 48 49 और 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर बचे और यही पे अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शायद मैं मिली दिखा होगा। सो 2 किलोमीटर में और एक घंटा तो लगेगा। चलो धीरे 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 धीरे। तो 7:30 बजे अरे इकड़ चल, 7:30 बजे और हमें यहाँ आके बस 5 मिनट हो गए और मत पूछो क्या हुआ है। टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो 26 किलोमीटर हम चले आज, तो चलो रूम में जाके बोलते क्योंकि ऊपर की बैटरी भी डाउन है और प्लस नहीं मूड। सो यहाँ से और 80 किलोमीटर अपनी रूम, खाना खाना है। हाँ काय भारी वाटलं रे बस। चलो सो हाय ऑल, तो हम हॉटेल में आके 1-2 घंटे हो गए, तो हम जस्ट फ्रेश हुए और
सो अबाउट मेरा हमारा एक्सपीरियंस, तो अगर आप मतलब दूधसागर जा रहे हो तो ट्रैक करके मत जाओ क्योंकि हमारी सच में बहुत बुरी हालत हो गई। रेलवे ट्रैक से मतलब ट्रैक करके जाना है तो वन साइड जाओ और सेकंड साइड में कोई तो कार या कुछ तो यूज़ करो, बस यही था एक्सपीरियंस। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।